कैमरे की स्क्रीन में आपको कुछ हरे कलर के जूते दिख रहे होंगे। ये जूते प्लास्टिक के हैं और ये दरअसल जूते नहीं है, जूतों का साचा है जिसके बाद इसमें जूते बनाए जाएंगे। अभी हम आगरा ज़िले में हैं और आगरा ज़िले में आए तो लोगों ने बताया, कई दर्शकों ने बताया कि यहाँ पर जूतों का काम काफ़ी होता है। तो हमने सोचा कि आइए कुछ जूता बनाने वाले यहाँ पर हमारे कामगार लोग हैं, उनसे बात करते हैं। तो बात शुरू की जाए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जी, तो आप ये जूतों का साचा बनाते हैं? मेरा पैर बहुत बड़ा है तो मेरा कितने नंबर का, मेरा 10 या 9 नंबर का आता है जूता? 9 नंबर का आएगा आपका। आएगा, ये कितने नंबर का जूता है? 8 नंबर का। कितना? 8 नंबर का है। तो फिर मतलब साइज के हिसाब से 8, 9, 10 इस हिसाब से बनता है? उसकी लेंस होती है, लेंस के हिसाब से बनता है। 6 में होती है और 8 में होती है, दोनों में। अच्छा, फिटिंग नाप के एक एक साइज बढ़ाया जाता है। अच्छा, 7, 8, 9, 10 उसी हिसाब से चलता। और छोटे बच्चों का जूता आप नहीं बनाते हैं? हाँ, छोटे की बनता है, उसमें 7 से लेके 11 तक होता है, 11 से लेके 1 तक होता है, और 1 से लेके 2 से 5 का होता है। समझ नहीं आया, मतलब छोटे बच्चों के लिए साइज पैरामीटर अलग होता है और बड़े के लिए अलग होता है, कैसे? छोटे में 0 साइज बनता है, 0 साइज से बनता है। अच्छा, मतलब कितना, अगर मान लीजिए 6 साल का 7 साल का बच्चा है, क्या नाम है भाई जी आपका? अरुण। अरुण जी, तो 1 साल का बच्चा आपने क्या बताया? 1 साल का वो बच्चा या 2 साल का, सबके लिए बनते हैं। अच्छा, सबके लिए बनते हैं साँचे के साथ। तो अगर मान लीजिए कि छोटा सा बच्चा है तो उसके लिए क्या साइज, साइज का पैरामीटर कितने से कितने तक का, रेंज क्या रहती है? 7 का 0 ऐसे बनेगा उसका, 1 साल का 2 साल का, उसके लिए 4 इंच होता है, उसमें 4 इंच लेंस होती है ना। 4 इंच क्या होती है? जैसे कि दिखा सकते हैं, जैसे कि जो फीता होता है जी, इसमें यहाँ से फिटिंग होती है, ये रिंग इसमें जो फिटिंग होती है, 1 साइज इसमें होता है 4 mm, 4 mm की लेंस के हिसाब से उसमें नापा जाता है। अच्छा। इतना ही उसके साइज के हिसाब से बढ़ जाएगा, जैसे आपकी लेंस हुई 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, तो इसमें 1-1 साइज उसमें बढ़ता चला जाता है, 4 mm, 6 mm बढ़ जाए, 8 mm बढ़ जाए, जो एक्सपोर्ट फैक्ट्रिया का बनता है, एक्सपोर्ट फैक्ट्री बनती है, उसकी 8 mm की फिटिंग होती है। अच्छा, एक चीज मैं और देख रहा हूँ कि कुछ लोग लकड़ी के खांचे बना रहे हैं, आप प्लास्टिक के खांचे बना रहे हैं, ये क्या है? चक्कर है ये दोनों? जैसे कि हमें दिल्ली, बम्बई, लखनऊ जो बाहर काम चलता है ना, वो लकड़ी का काम चलता है, जो यहाँ का लोकल काम चलता है वो फाइबर में बनवाते हैं। तो लकड़ी और फाइबर में अंतर क्या है? अंतर क्या है इसमें? अंतर तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ अपने हिसाब से बनाते हैं, महंगा सस्ते का भी फर्क पड़ता है। अच्छा, महंगा कौन सा होता है, सस्ता कौन सा होता है? जे 400-500 रुपये तक का बनता है फाइबर का, मैक्सिमम 500। हाँ, सबसे सस्ता जूता आप कौन सा बनाते हैं? सस्ता तो कोई नहीं होता, इसी में सस्ता नहीं है, इसी को रिपेयर करके सेट करते हैं, इसमें मेहनत मजदूरी मिलती है सारी और कुछ नहीं है। कितनी मजदूरी मिलती है आपको? अरे मिल जाए तो 400-500 रोज का काम हो जाता है अपना। आपका मतलब ये खांचे बनाने से आपको 400 रोज की आमदनी होती है, मेहनत करते हैं अपनी 500 रुपये रोज की। और ये केवल आपको मिलता है या यहाँ जितने भी कामगार हैं सबको यही मिलता है? इतना ही हो जाता है, 500 का हो जाए, 600 का हो जाए, 700 का हो जाए, काम के हिसाब से होता है यहाँ। एक दिन में कितने खांचे आप बना लेते हैं जूतों के? एक दिन में कम से कम हम अपना 15-20 जोड़ा कहीं नहीं गया है, 20 जोड़े मिनिमम बना लेते हैं, अलग अलग साइज के, 6 से लेके 11 तक 12 तक। अब जो साइज देना है 12-13 नंबर का फरमा दो, अब जो अहमदाबाद जाएगा माल आपका, अहमदाबाद तक जाता है आपका माल? ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जिसमें माल नहीं जाता, सारे ये अहमदाबाद का। ये देखिए, ये जो है जूते का फ्रेम, ये 13 नंबर का फ्रेम है इसका। अच्छा, तो ये स्पेशल ऑर्डर पे ही आते होंगे? ऑर्डर से ही आता है, जैसे ऑनलाइन जैसे आपका काम चलता है, अब जो ऑनलाइन जैसा काम हो गया है। तो आप ऑनलाइन पे सेल करते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति सेल करता है? ये देखिए, अहमदाबाद भेजा ना अशोक खत्री जी, अशोक खत्री जो है, फिर मैंने व्हाट्सएप किया, बिल्टी नंबर बिल्टी जाती है उनकी। तो ऑर्डर आपको आता किस किधर से? फोन से, द्वारा से। अमेजोन वगैरह पे भी आप बेचते हैं या फिर ऐसे ऑफलाइन? अब ऑनलाइन भी जाता है। ऑनलाइन अगर मान लीजिए ये मुझे 12 नंबर का जूता ऑर्डर करना हो तो मैं अमेजोन पे कैसे ऑर्डर करूंगा? वो आपको उसका साँचा या पात्रंग बना के देना पड़ेगा, पात्रंग लाना है, एक पात्रंग। पात्रन और साँचा में अंतर क्या होता है? ऐसा होता है, एक तो ये सोल आता है इसके हिसाब से बनता है। अच्छा। और दूसरा ये पात्रंग आप दोगे तो फिर इसके हिसाब से बनेगा 13 नंबर का। अच्छा, तो कागज
कागज से एक मोटा मोटा एक तैयार कर लिया जाता है, जैसे हम लोग कला बनाते हैं तो उसमें एक स्केच तैयार कर लिया जाता है। अच्छा, इसी के हिसाब से, इसकी लेंस के हिसाब से इतना भारी होता है, कट के पूरा फिलिंग आती है, इसी हिसाब से जाएगा। अच्छा अच्छा, 2 साल से लॉकडाउन है और आपका कारोबार, आप कह रहे हैं कि 500 रुपए आप दिन का कमाते हैं, तो लॉकडाउन से कुछ फर्क पड़ा है आपके कामकाज पे? तो बहुत पड़ा है, बैठे रहे, काम धंधे से भी, खाने पीने हर चीज से फर्क तो पड़ा है। अच्छा भाई साहब की चोट कैसे लग गई है? भाई साहब के जो कल परसों उन्होंने ड्रिंक कर ली थी, थोड़ी ज्यादा से गिर गए थे जहाँ से। अच्छा, कहाँ? यही दुकान पे ही? अच्छा, तो लॉकडाउन से फर्क पड़ा है आप बता रहे हैं? जी हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर जो है क्या है, नेता यहाँ पर आते होंगे, चुनाव भी करीब हैं, तो आपसे क्या नेता कुछ आपसे लोग कहते हैं, आप लोग वोट कैसे डिसाइड करते हैं? वोट तो उनके अनुसार ही चलना पड़ता है। इनके अनुसार? अरे जैसे कि अनुसार तो हमारे अनुसार के हिसाब से वोटिंग करनी पड़ती है, लेकिन हमें देखना पड़ता है। अब जैसे कि मोदी जी आए, उनको वोट दिया, अब कोई उन्होंने किया नहीं किया, लॉकडाउन लगाया, परिस्थिति तो हम पे ही गुजरती है ना, वो तो हमें देखना पड़ता है सारा। तो उसी हिसाब से परेशानी देश पीछे रहेगा 20 साल। अब 20 साल क्यों, क्या कारण है? क्या परेशानी आ गई? ये रोटम लगा था इसलिए परेशानी आ गई, 20 साल पीछे हो गया। गरीब आदमी कितने मरे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, ये सारे सब परेशान, अच्छे अच्छे लोग मर गए। काम धंधे की वजह से हमारी जो, हमारा तो रोज का खाना पीना है, क्योंकि नेता लोग हुआ कोई भी, कोई देता नहीं हमको, हम नहीं मेहनत मजदूरी करते हैं, उसी से खाते हैं। अच्छा, तो जैसे सरकार की जिम्मेदारी होती है सड़क पानी बिजली, ये सब व्यवस्थाएं कैसी हैं क्षेत्र में या आपके घर पर? वैसे तो परेशानी तो सारी जैसे है ही, शुरू से चली आ रही है, ये कभी मुमकिन भी नहीं है कि सही हो जाए, आपको भी मालूम है ऐसा होता है, लेकिन कहीं हो जाती है ठीक तो कहीं परेशानी फिर भी रहती है, किसी जगह ठीक है तो किसी जगह खराब है, तो परेशानी किसी देश में कभी सुधार हो ही नहीं सकता है, चाहे कोई भी नेता आ जाए। भाई जी बता रहे हैं 20 साल, आपका ये 20 साल वाला तर्क क्या है, थोड़ा समझाइए दर्शकों को। 2 साल में इतना हो गया, तो वो 20 साल पीछे देश पहुंच गया। 2 साल में 20 साल पीछे देश पहुंच गया, कैसे? पीछे ही हो गया है, चक आदमी, लाखों आदमी मरे हैं, गरीब है वो से मरे हैं, भूख मार से मरे हैं, अब आदमी पे खाने के लिए कर्जदार और हो गया है, कर्जदारी में डूब गया है, वो डूब गया है। क्या समाधान है इसका, किस तरीके से हम इसका निवारण कर सकते हैं? ना सरकार बढ़िया आ जाए और देश का सुधार कर दे, बस यही टेंशन खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो सरकार बढ़िया आ जाए तो सब बढ़िया हो जाएगा। आप यहाँ आके बात करिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आप, तो कौन सी सरकार बढ़िया है? अजय तो आपको चुनना है, मैं तो वही चुनना है। अरे आप वोटर हैं भाई, आप चुनेंगे, आपके आपके विधानसभा के वोटर आप हैं, आप बताएंगे कौन अच्छी सरकार है। आइए बैठिए यहाँ पर बैठ के बताइए। अच्छा, अरे कोई नहीं, बैठिए 5 मिनट। हाथी जी, तो क्या कारण है हाथी 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 क्यों? हाथी जो है ना, हम हाथी इसको वोट देते हैं, हमने इसको वोट दिया, हमें दिक्कत हो गई आगे चल के, तो हमारे देश का सुधार नहीं हुआ। 2017 में जो है आपने इसको वोट दिया था बीजेपी को, तो बीजेपी को वोट दिया था, हम जो चाहते हैं कोई भी सरकार आए पर देश का सुधार कर दे, हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी, ये गरीबों की टेंशन खत्म, तो हमारी टेंशन खत्म, कोई भी सरकार आए पर देश का सुधार कर दे बस। अच्छा, आप जैसे यहाँ पर खांचों का काम कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या सुधार चाहिए? मतलब अगर मैं अज्यूम करूँ कि आपके घर पे जाऊँ, तो आपके घर में ऐसे क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो सरकार दे दे, या आस पास आप जाते हैं यहाँ से, सड़क है, अस्पताल है, तमाम चीजें, तो कौन कौन से सुधार सरकारों को करने चाहिए? उनको इलाज नहीं मिल पाया गरीबों को, मैं भी गुजरा हुआ हूँ चीज से, आदमी मर रहा है, कैसे इलाज ही नहीं मिल पाया उन्हें, इलाज डॉक्टर ने इलाज किया नहीं, बीमारी के चक्कर में सब भाग रहे थे, तो किसको बचाएंगे, देश लाखों आदमी मर चुके हैं इस वक्त। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर, क्या क्या नाम है भाई साहब आपका? अरे बात नहीं करेंगे, अरे आप युवा होके भी इतना शर्मा रहे हैं, अरे नहीं, जबरदस्ती मत कीजिए, क्या नाम है आपका? राजेश।
राजेश नाम है। क्या करते हैं भाई साहब आप? अभी तो कुछ नहीं है, खाली बैठे हैं। अच्छा, खाली बैठे हैं। क्या पढ़ाई की आपने? पढ़ाई कुछ नहीं है। पढ़ाई कुछ नहीं की है? कहाँ तक पढ़ाई की है? कुछ तो की। तो मतलब साइन कर लेते हैं? साइन कर लेता हूँ। अच्छा, तो वो कहाँ से सीखा आपने? कितना पहले पढ़ा था? लेकिन किसी से कोई आप बता दिया, मैंने सीख लिया वही चीज़ जो मुझे लिख के बता दिया, ऐसे ऐसे लिखना। वो कभी स्कूल नहीं गए आप? क्लास में से छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? ऐसी मजबूरी आ गई थी। क्या मजबूरी थी बता सकते हो तो बता दीजिए। मजबूरी ऐसी है, काम धंधा नहीं था, घर वालों पे परेशान थे, पापा खराब थे, नशेबाजी करते थे, पापा कुछ देते नहीं थे रोजगार, इसलिए। अच्छा, तो बननी पड़ती है ना स्कूलों में। तो अभी आप उसके बाद जब आपने पढ़ाई छोड़ दी तो फिर क्या काम किया आपने? काम करा, गोली का काम करा था, चाय का काम करा था, कई काम करे थे। अभी क्या काम करते हैं आप? अभी आप कुछ नहीं करते, अब तो काली सालक का काम करते हैं। जो सालक क्या? काय का? सालक का। सालक क्या काम होता है भाई? शादी ब्याह का। शादी ब्याह का? अच्छा, शादी ब्याह को सालक कहते हैं यहाँ पर? सालक कहते हैं आप। तो शादी ब्याह में क्या काम करते हैं आप? यहाँ चाट पकौड़ी बनती है, बल्ले बनते हैं, टिकिया बनती है, जो भी चौमिन वगैरह इसका काम कराया जाता है, स्टॉल सजाई जाती है। तो आप बनाते हैं या क्या, किस तरीके का आपका पूरा, थोड़ा खुल के समझाइए। बनाती भी है, खिलाती भी हैं स्टॉल पर जाके। जैसे शादी ब्याह में यहाँ से बनाएंगे तो वहाँ जाके खिलाएंगे भी, नहीं तो वहीं बनाएंगे तो वहीं पर खिलाएंगे। अच्छा, तो ये आपका किसी से कॉन्ट्रैक्ट है शादी का, कोई मैनेजमेंट बुलाने आता है, कोई ठेकेदार बुलाने आते हैं? जैसे हमारे ऊपर कोई ठेकेदार है तो बुलाएगा, उसके ऊपर फिर मैनेजर है, इसलिए। कितनी कमाई हो जाती होगी आपकी? कितनी मिल जाते हैं? 400-500 रुपये। हाँ, दिन का? दिन का नहीं, रात दिन दोनों का। रात दिन दोनों का? और ये ऐसे कभी 2 भी बज जाएँ, 12 भी बज जाएँ, 3 भी बज जाएँ, 4 भी बजे, पता नहीं है कब आए हम, सुबह आए 5 बजे, कोई टाइम टेबल नहीं है। अच्छा, और ये महीने में आपको कितने ऐसे ठेके मिल जाते होंगे? महीने में क्या ज़्यादा, 20 काम कर लोगे, 25 कर लोगे, 30 कर लोगे, 3 महीने के लिए चलता है ये काम। तो सब अपने ऊपर खर्च करते हैं या घर को भी देते हैं? घर पे भी देते हैं, कुछ अपने ऊपर भी खर्च करते हैं। अपना भी तो खर्चा, कपड़े लत्ते कैसे आएंगे कि नंगे थोड़ी जाएंगे काम पे। तो अपना खर्चा केवल कपड़े लत्तों का होता है, और क्या क्या होता है? खाना पीना भी होता है, ये थोड़ी है, थोड़ा कुछ अपनी जेब में भी रखना पड़ता है। क्यों, क्या क्या काम होता है? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक जो युवा लड़का है 22-23 साल का, वो कमाता है तो कहाँ कहाँ खर्च करता है? ऐसी है, कुछ खाने पीने में काम खर्च करते हैं, काम तो पूरे दिन नहीं है, थोड़ा जेब में भी रखेंगे, थोड़ा घर पे भी खर्चा करेंगे, इसी तरीके से। और यहाँ पर आपका घर कहाँ पर है? घर तो यही है सामने। अच्छा, तो बगल में यहाँ पर, ये पीछे सामने? अच्छा, तो आपके क्षेत्र में काम वाम हुआ है? क्या काम काज है हमारे क्षेत्र में? क्या आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? आपके क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल? बिजली अच्छा, व्यवस्था कुछ खराब, सब खराब है व्यवस्था हमारी गली की ना। बिजली तो है लेकिन, बिजली तो है लेकिन नल पानी, नल बाहर से बनना आता है पानी, और कुछ गटर बटर सब कुछ खराब है। गटर क्या, कैसे खराब है? क्या खराब है उसमें? गटर रुक जाते हैं ना। अच्छा, तो फिर क्या समस्या होती है? रहता तो बाहर निकलना, बाहर निकलना चालू हो जाता है उसके अंदर से। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं आप लोग? फिर यहाँ का तो बुलाने आते हैं, इकट्ठे हो गए 10-20 जने, नगर निम जाते हैं, जब जाके बुला के ले आते हैं, जब जब भी उस बात का समाधान नहीं हो पाता। और जब भी सब, क्या नाम है आपका? मेरा आदम प्रकाश। क्या करते हैं भाई साहब? मैं मजदूरी। मजदूरी करते हैं? क्या मजदूरी करते हैं आप? मेरा भाई बेलदारी करते हैं। बेलदारी करते हैं भाई, 250 रुपये कमाते हैं। क्या काम क्या करते हैं? अरे बेलदारी करते हैं मेरे भाई, 250 रुपये का घर का। बेलदारी? अच्छा, बेलदारी घर बनाते हैं, मिस्त्री हैं? अच्छा, 250 रुपये घर का खर्चा नहीं चल पाता है। 250 रुपये मिलते हैं आपको दिन के? और काम मिलता है लेकिन डेली मिल जाता है या फिर महीने में कभी कभी? नहीं, काम मिल कब रहा है? ये बीजेपी की सरकार में, बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए हमें, हमें कोई और सरकार चाहिए। अच्छा, कौन सी सरकार? कौन सी सरकार? सरकार आया मतलब जो हमारे हित के लिए काम करे, वही सरकार नहीं चाहिए हमें, बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। वही तो हम पूछने आए, कौन सी सरकार है जो आपके लिए काम धंधा रोजगार करे, और क्या महंगाई सस्ती करे? आटा पहले 15 रुपए किलो आता था, अब 25-20 रुपए किलो आटा। सरकार कोई सी भी आए, हमें से नहीं है काम। एक एक करके बोलिए। सरकार कोई सी भी आए, हमें उस सरकार से मतलब नहीं है। सरकार ये काम धंधा खोल दे, क्या नाम है, थोड़ी महंगाई सस्ती कर दे, वो चीज चाहिए। सरकार कोई सी भी हो, इससे हम इससे लेना नहीं है। सरकार हमें खाने के लिए तो देगी नहीं, थोड़ा कम रेट कम तो हो जाए उस चीज़ से, जैसे हम काम धंधा मिल रहा नहीं है, महंगाई हो रही है, और आटा बोटा कुछ भी लेने आए तो उसको कहाँ से देंगे इतने। अच्छा, नेता यहाँ पर आते होंगे, आपसे तमाम वादे करते होंगे,
कौन से नेता यहाँ पर आपके पास आते हैं नेता लोग? नेता जब इलेक्शन के टाइम पे आते हैं उसके बाद कोई नेता नहीं आता है यहाँ पर, केवल इलेक्शन के टाइम पे नेता आते हैं। वो ये कहते हैं तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान करेंगे। कौन कौन से नेता आए हैं अभी तक आपके पास? जब इलेक्शन हो सभी नेता आते हैं कि नेता नहीं आते, ऐसा है उनके जैसे कर्मचारी होते हैं नेता होते हैं उनके नीचे हैं, जैसे वो आते हैं हमसे वोट मांगने सिर्फ, वो कहते हैं जी माइक में बोलिएगा, आगे आ जाइए, आगे आके बोलिए। क्या नाम, क्या नाम है आपका? नेता भीता कोई सहयोग नहीं करता है, आते तो सब है उनके नीचे वाले आते हैं, जब वोट के टाइम पे तो आ जाते हैं वो, वोट लेने के बाद में कोई किसी की समस्या हल नहीं करते हैं, उसमें फिर हमें सबको दिक्कत आती है, गरीब भाइयों को, हम भी मजदूर आदमी है। मजदूर आदमी है आप, तो जो इस बार आएंगे लोग तो इस बार आप क्या सवाल करेंगे उनसे? मान लीजिए इस बार भी नेता आएंगे आपके पास चुनाव में, तो इस बार आपके क्या क्या सवाल होंगे, क्या क्या मुद्दे होंगे? ये तो हम देखेंगे, हम किसको वोट देना किसको नहीं देंगे फिर। नहीं तो वही मैं नेताओं से क्या सवाल मुद्दे क्या होंगे आप? मुद्दे का समाधान करवाओ। किसका? ये मुद्दा होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। किस चीज की महंगाई ज्यादा है? तेल महंगा है, रिफाइंड महंगी है, चीनी महंगी है, तेल महंगा है, चीनी महंगी है, रिफाइंड महंगी है, आटा महंगा है, साग सब्जी महंगी है, सब चीज़ महंगी है, बताओ। अच्छा, क्षेत्र में कोई भी विकास का काम हुआ है आपके विधानसभा में? वो तो नहीं हो रहा है, ये सड़कें देख रहे हो, सड़कें बेकार हो रही है सारी, सब बेकार हो रही है, गली गिरारे नहाने धोने की, गली गली देखेंगे, गली दिख रही है मुझे, वहाँ पर खड़ौंजा बना हुआ है। क्या नाम है भाई साहब? आइए। दो पैसे काम नहीं होता, कोई ना पे नेता बेहतर नहीं आता है, बप इसके नाम क्या 5 साल हुए जब आते हैं बस खाली, और वैसे कोई भी नहीं आता है ना पे, सब भूख से परेशान है। अरे भाई इतनी महंगाई है, बेशुमार महंगाई हो गई है, तेल हो गया 170 रुपये किलो, गैस का सिलेंडर हो गया 920 रुपये किलो, पोगन 920 का सिलेंडर हो गया है, आई बस में पेट्रोल पैसे बढ़ गए, डीजल पैसे बढ़ गए, आई बस में 102 हो गया, वो जनता क्या क्या करेगी कि बच्चों को बीमार पड़ जाएगा, कि बच्चों पर पैसा लगाएगा, कि पैसा लगाएगा, हम चीज़ से परेशान है, काम धंधा ही नहीं है बिल्कुल भी, लॉकडाउन में लॉकडाउन लग रहा है, जनता परेशान में हो रही है, आदमी क्या करेगा, आदमी झेर खाएगा क्या, कुछ नहीं करेगा आदमी, फालतू बैठा हुआ चोरी डकैती करेगा बस खाली, क्या करेगा चोरी डकैती करेगा और क्या क्या करेगा, आदमी परेशान है बिल्कुल। आई बसंत में आदमी नेता लोगों से सोचिए, मद्दा करे, जनता को सोचे समझे, आई बस कोई कोई समझता बिल्कुल भी, कोई नेता ही नहीं है कहीं भी बिल्कुल भी, सारी सभी पार्टियों के नेता खराब हैं, सब खराब है नेता, इतने भी हैं, जनता को मद्दा करें, आटा 10 रुपये किलो करें, आयो चीनी मद्दी करें, तेल मद्दा करें, जब ये जनता सोचेगी इनको, जनता ही पागल है जो उनको वोट देती है अपने घर बैठे। तो मतलब आप लोग इस बार चुनाव का विरोध करेंगे, वोटिंग का विरोध करेंगे? हम तो विरोध करेंगे, सब चीज़ का विरोध करेंगे, हम तो महंगाई में इसका हम क्या ध्यान डालें। अच्छा, ऐसी कौन सी पार्टी है जो कह रही है कि महंगाई कम होगी या आपके हित के लिए बात करती है? बेकार है हमारे हिसाब से, तो सभी पार्टियां बेकार हैं। बेकार है, जो जनता को ना समझे, जनता को समझेगी वो पार्टी बढ़िया है। कौन सी पार्टी कोई है जो जनता को समझती है? कौन सी पार्टी बढ़िया है जो जनता फैसला करेगी? क्या नाम है भाई साहब आपका? नितिन कुमार। क्या करते हैं नितिन? धागे का काम भी करते हैं, सब्जी का भी काम कर लेते हैं कभी। धागे का और सब्जी का? हाँ। तो सब्जी का में क्या काम करते हैं? सब्जी बेचते हैं। अच्छा, तो सब्जी आपके घर पे है या फिर खरीद के मंडी से खरीद के? खरीद के लाते हैं, ठेला पे बेचते हैं। अच्छा, ठेला पे बेचते हैं। कितनी कमाई हो जाती होगी नितिन? मिल जाते हैं 300-400 रुपए। 300-400 रुपए। अच्छा, तो 300-400 रुपए मतलब ये मार्जिन आता है आपका, जब सब्जी जितने की मंडी से लाते हैं उसके बाद जितने बेचते हैं तो 300-400 रुपए बच जाता है। अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल के बाद आगे क्यों नहीं पढ़ पाए? पढ़ नहीं पाए, ऐसा ही है, घर की मजबूरी है, हालात हैं, बहुत सी मजबूरी होती हैं, अपने काम धंधे में लग गए, बस नहीं पढ़ पाए, ऐसा ही। तो ये भाई साहब बता रहे थे कि सरकार जो है कोई सरकार अच्छी नहीं है, आप भी ऐसा मानते हैं? सही बात है, कोई सरकार अच्छी नहीं है, कोई सरकार जो है महंगाई और उस पर नहीं बात कर रही है, कोई कर ही नहीं रही है। सही बात है, महंगाई कोई सरकारों को बात तो ठीक है, महंगाई तो हो गई है, ये बात तो ठीक है, महंगाई तो हो गई है, ये बात तो ठीक है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सरकारों को या जो भी पार्टियां हैं उनको किन किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, आप जैसे लोगों का क्या विचार है? बात है, मुद्दे किस किस के मुद्दे चले? नहीं, मुद्दे बताइए, वही तो जानने आए हैं। अभी मैं क्या बताऊँ मुद्दे? हाँ, कौन से मुद्दे हैं?
नेताओं के मुद्दे बताएं, बताएं ना भैया जी, आगे आप माइक पे आके बताएं। अरे तो फिर आप बताइए बताइए, एक एक करके। तो महंगाई का ही एक बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। हाँ जी बात तो सही है, काम धंधे है नहीं है इंसान के पास, और काम धंधे है नहीं है, महंगाई हो चुकी है, बस यही मुद्दे और क्या है। चलिए, हम लोग अभी आगरा जिले में थे और यहाँ पर कैंट विधानसभा ये लगती है, यहाँ से साउथ विधानसभा लगती है, और यहाँ से योगेंद्र उपाध्याय विधायक हैं, दो बार विधायक रहे हैं, और यहाँ पर लोगों के मुद्दे जो समझ में आ रहे हैं कि एक महंगाई जो एक गरीब तबका है, लोअर मिडिल क्लास तबका है, उसका महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। वो तेल के दामों को लेकर परेशान है, सड़कों को लेकर परेशान है, ये थोड़ा सा क्षेत्र लगता है जो कंजस्टेड है, तो यहाँ पर सीवेज चीज़ों को लेकर परेशान है। बने रहिए आप हमारे साथ, और हम इसी तरीके से जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में जाते रहेंगे और बताते रहेंगे आपको उत्तर प्रदेश का हाल। शुक्रिया।